हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टच में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो डिज़ाइन लेके आई हूँ, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और बहुत ही आसान डिज़ाइन है। दो फंदों का डिज़ाइन है और दो सिलाइयों में डल जाता है ये। आप इसे लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, और अगर आपने अब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको सुंदर सुंदर डिज़ाइन जो है वो बताती रहूं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कैसे डलता है, चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदा जैसे हम सीधा लेते हैं वैसा ही आएगा। उसके बाद ये जो दो फंदे हैं इसी के ऊपर डिज़ाइन चलेगा। तो हमने पहला फंदा और ये दूसरा फंदा, इसको इन ऐसे पकड़ना है। फिर सिलाई को पीछे लेके गए और ऐसे करके इन दो फंदों का एक कर दिया, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। ये जो पहले वाला फंदा है इसी में हम सिलाई डाल के ऐसे पीछे से एक और फंदा बनाएंगे, यानी कि दो का एक किया पहले और बाद में फिर दो बना लिए। फिर धागा अपनी तरफ किया और ये उल्टा फंदा लिया, फिर धागा पीछे किया, ये दो फंदे ऐसे पकड़े, सिलाई को ऐसे पीछे लेके गए और ये एक फंदा बना लिया। बिना इसको सिलाई से निकाले ही पहले फंदे को उठाया और यहाँ पीछे सिलाई लेते हुए ये दूसरा फंदा भी बना लिया। फिर धागा आगे किया, उल्टा फंदा, धागा पीछे किया, दो का पहले एक किया, फिर यहीं से उठा के इसको ऐसे पीछे लेके गए ऐसे, और ये एक और फंदा, ये ऐसे बन गया, दो बन गए। फिर अपनी तरफ उल्टा, धागा पीछे, ऐसे उठाए ऐसे एक, इसी से ये दूसरा, उल्टा फंदा एक दो और ये ऐसे एक, इसको पकड़ा ऐसे, और लास्ट वाला जैसे हम लेते हैं सीधा वैसे आएगा। फर्स्ट रो इज़ कंप्लीट। अब सेकंड रो में क्या करना है, जैसे इसको उल्टा बुनते हैं उल्टी सिलाई में वैसे ही लिया। पहला फंदा हमारा डिज़ाइन वाला उल्टा ऐसे, फिर इसको बिना बुने लिया, फिर धागा ऐसे पीछे किया ये सीधा, फिर अपनी तरफ किया, इसको उल्टा बुना, इसको बिना बुने लिया, धागा पीछे किया, इसको सीधा बुना, धागा अपनी तरफ किया, उल्टा बुना, इसको बिना बुने लिया, धागा पीछे किया, सीधा बुना, धागा अपनी तरफ किया, उल्टा बुना, बिना बुने लिया, धागा इस तरफ किया, सीधा, धागा अपनी तरफ किया, उल्टा बुना, और ये बिना बुने लिया, और लास्ट वाला जैसे हम उल्टी सिलाई में उल्टा बुनते हैं वैसे ही। दो रो कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी आपको ये डिज़ाइन दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं दो रो और डालती हूँ, दो सिलाइयाँ। पहला तो जैसे आता है, आपने जैसे पहली सिलाई हमने ली वैसे ही आगे इनको रिपीट करते जाना है। तो ये जो दो फंदे हैं, दो फंदों का हमने एक बनाना है ऐसे पीछे। और पहले वाले फंदे को बिना छोड़े हुए ही पीछे से ऐसे एक और फंदा, फिर अपनी तरफ धागा करके उल्टा फंदा, धागा पीछे किया, ये दो फंदों का ऐसे करके एक, पहले वाले को बिना छोड़े पकड़ा ऐसे, और ये दो ऐसे, ये ऐसे इनको पकड़ के ऐसे इसको ऐसे बुनेंगे। ऐसे ही आपने ये सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट करनी है।
उल्टा, और ये लास्ट वाला। अब जैसे हमने दूसरी सिलाई ली, वैसे ही ये लेनी है। इसको उल्टा ही बुनेंगे, बिना बुने धागा पीछे किया, सीधा बुना धागा अपनी तरफ, उल्टा बिना बुने, सीधा उल्टा। बस आपने एक ध्यान रखना है कि जब हम उल्टा बुन रहे हैं तो उसके आगे वाला जो फंदा है आपने उसको बिना बुने उतारना है। सीधा उल्टा बिना बुने धागा पीछे करके, सीधा उल्ट सॉरी बिना, ये आएगा बिना बुने और ये बुन के। अभी फ्रेंड्स मैं आपको दो के सिलाइयाँ और डाल के बताती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, 6 सिलाइयाँ डालने के बाद हमारे पास ऐसा डिज़ाइन बन के आ गया है। अब आप जैसे हमने पहली और दूसरी सिलाई डाली, वैसे ही आपने ऊपर रिपीट करते जाना है और आपके सामने ऐसा ब्यूटीफुल सा सुंदर सा डिज़ाइन जो है वो ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं आगे की तरफ से ये ऐसा है और पीछे की तरफ से ये ऐसा आएगा, पीछे की तरफ से ऐसा और आगे की तरफ से ये ऐसा आएगा।